हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का नौवा चैप्टर, जिसका नाम है जन जन का चेहरा एक, उसी के संपूर्ण हिंदी अर्थ आप अपनी भाषा में समझेंगे, जिससे इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर राइटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए पहले राइटर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और जब जान लेंगे, अब काहे जानेंगे राइटर के बारे में, अरे ऑब्जेक्टिव एकरे से पूछ दे वह ही यही से, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, ये हिंदी काव्य खंड का नौवा चैप्टर है। इसके राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध है। गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं प्रयोगवाद के कवि थे, ठीक है। प्रयोगवाद के कवि कौन थे, तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। अब आपसे पूछा कि इनका जन्म कब हुआ, 13 नवंबर 1917 को जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था। फिर पूछ देवे, बता दो तनी कहाँ हुआ था, तो स्वेपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, देखिए माधव मुक्ति बोध है, म से मुक्ति बोध और म से मध्य प्रदेश, मुक्ति बोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब आपसे पूछ देवे कि इनका निधन कब हुआ था, 11 सितंबर 1964 को जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इनके माता जी का नाम का था, तो गजानन माधव मुक्ति बोध के माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम माधव राज मुक्ति बोध है, ठीक है। इनकर नाम में ही जो है पिताजी के नाम छुपल है। अब जो है आपसे पूछ देवे कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, शुरुआती शिक्षा इनकी जो है उज्जैन शहर से हुई, जो मध्य प्रदेश में ही है। बाद में जैसे जैसे ये सियान हुए, उसके बाद जो है इनकी शिक्षाएं अलग अलग प्रदेशों में होती रही, और ये इतना नटखट थे कि हर बार पहले फेल होते थे, उसके बाद जो है अगला साल पास होते थे, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि इन्होंने जो है बोर्ड की परीक्षा कब दी, तो बोर्ड की परीक्षा माधव कॉलेज से जो है 1931 में दिए थे, लेकिन 1930 में दिए थे लेकिन फेल हो गए थे, तो फिर 1931 में दिए। इंटर इन्होंने जो है 35 में किया, अब काहे किए, काहे कि फिर फेल हो गए थे, नागपुर विश्वविद्यालय। अब आपसे पूछे कि एमए कहाँ से किए थे, तो एमए नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट था, और 1953 में किए थे। और उसके बाद आपसे कहे कि सर बीए तो बताए नहीं, तब बीए 1938 में किए थे, और वो जो है अपने कॉलेज से ही, जिसका होलकर कॉलेज नाम था, वहाँ से किए थे। अब इनकी कृतियाँ, अच्छा एक वाव क्वेश्चन आपसे पूछ देवे कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं वो किस तरह के कवि हैं, का वो उपन्यासकार हैं, का वो जो है कथाकार हैं, या जो है का है, तो वो सब कुछ होते हैं। उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, सब मारिएगा, ठीक है, इनमें से सभी याद रखिएगा। आ नया खून जो है एगो संपादन किए थे पत्रिका, नया खून, ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा। नया खून के राइटर गजानन माधव मुक्ति बोध ही थे। अब आगे आपसे पूछता है कि इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ के बारे में बताइए। तार सप्तक इन्हीं का लिखा हुआ है, चांद का मुंह टेढ़ा है इन्हीं का लिखा हुआ है, काठ का सपना जो है इन्हीं का लिखा हुआ है, और उसके बाद कमायनी एक पुनः विचार, कमायनी पर जो दोबारा इन्होंने विचार किया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया कमायनी। कमेंट बॉक्सों में बतावेला है एक राइटरवा जो है मेन राइटर कौन थे, ठीक है, आपको ये बताना है। अब आपसे पूछे कि मुक्ति बोध जो है वो रचनावली किए थे, जो कितने खंडों में था, तो 6 खंड में था, ये भी याद रखिएगा। अब जो है आपको राइटर से रिलेटेड पूरा जानकारी दे दिया गया, एकरा से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ये बात के हम गारंटी लेते हैं, ठीक है सर। चलिए अब हमनी के जो है इस कविता पे आते हैं। देखिए गजानन माधव मुक्ति की वो बहुत अच्छी खासियत थी कि वो कभी भी शॉर्ट कविता नहीं लिखे, हमेशा जो है लंबी लंबी कविताएँ लिखते थे, और उसी का ये भी जो है एक लंबी कविताएं हैं, लेकिन उनकी कविताओं के अपेक्षा सबसे छोटी कविता जो है आपके पढ़ने के लिए दिया गया है, नहीं तो उनकर कविता बहुत लंबा लंबा हुआ करता है, ठीक है। आइए तनी समझते हैं कविताओं के अर्थ को समझिए।
ये सब जो है बउआ वाला चीज है, आप देखिए कैसे समझते हैं। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे आप किसी भी देश के हो, चाहे आप किसी भी जो है राज्य के हो, किसी भी गांव और किसी भी शहर के हो, सबका जो है जन जन का चेहरा एक है। इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कवि कि लोग जो हैं अपने जीवन को जीने के लिए दिन प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। तो लोगों के संघर्ष के बारे में जो है इस कविता में बताया गया है कि लोग जीवन जीने के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, दुख सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो चाहे जिस देश के हों, चाहे जिस राज्य के हों, चाहे किसी भी शहर के हों, सभी का चेहरा एक है। इसका कहने का मतलब है आप किसी भी देश के हों, सभी लोगों का दुख और समस्या जो है एक के होता है, ठीक है। चाहे एशिया के हों आप, यूरोप के हों या चाहे अमेरिका के हों, गलियों की धूप एक। एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी गली में जो है धूप एक के प्रकार के पड़ता है। ऐसा थोड़े है कि भारत में जो है सूरज भगवान उगते हैं दिन में तो वहाँ पे जो है दूसरे देश में चांद उगते हैं दिन में, नहीं। सभी गलियों का धूप एक, चाहे आप एशिया के हो, यूरोप के हो, अमेरिका के हो, सभी गलियों में जो धूप उगता है वो एक होता है। कहने कवि के कहने का मतलब था कि सभी लोगों की समस्याएं और दुख जो है एक ही होती है। कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर परी हुई झुर्रियों का रूप एक। कष्ट, दुख, संताप मतलब कि लोगों के चेहरा पर जो कष्ट और दुख का संताप से के कारण जो है चेहरा जो है मुलायम हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। तो कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर परी हुई झुर्रियों का झुर्रियां एक मतलब कि सभी लोगों के जीवन, चाहे आप किसी भी पृथ्वी के कोनों कोना में हो, आप कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं और उस सहने से आपके चेहरा जो है झुर्री पड़ गया है, मुलायम हो गया है। झुर्री मतलब कि सिकुड़ जाता है चेहरा, ठीक है। तो कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर परी हुई झुर्रियों का रूप एक। इसका कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति जो है कष्ट सह रहे हैं, दुख सह रहे हैं और वो जो है क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को संघर्षशील बना रहे हैं। कष्ट, दुख सहकर भी जो है अपने जीवन को चला रहे हैं, ठीक है। जोश में यूं ताकत सी बंधी हुई पृथ्वी का प्रसार, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई पृथ्वी का प्रसार, मुट्ठियों का लक्ष्य एक। जब हम लोग जोश में ही जो है मुट्ठी बांधते हैं कि नहीं आज जो है फोड़ देंगे, है कि नहीं, तो जोश में यूं ताकत से बंधी हुई पृथ्वी का प्रसार, मुट्ठियों का लक्ष्य एक। जोश में जो आप मुट्ठी बांधते हैं, हर एक व्यक्ति जो है अपने दुखों और कष्टों से निकलने के लिए जोश, मोटिवेशन सुनता है जिससे जो है उसको जोश आता है, और जोश में ये जो मुट्ठी बांधा जाता है उसका लक्ष्य एक के होता है कि नहीं हमको अपने दुख से निकलना है। हम भी आपको मोटिवेट करते हैं तो कैसे करते हैं, आप इतना पढ़िए कि आपके जीवन का दुख जो है ख़त्म हो जाए। हमेशा का बनाइए, पैसा बनाइए, दोस्त नहीं। पैसा जब आपके पास ज़्यादा होगा दोस्त अनेक आएंगे, है कि नहीं। चलिए, तो जोश में यूं ताकत से बंधी हुई पृथ्वियों का प्रसार, मुट्ठियों का लक्ष्य एक, मतलब कि जब आप दुखी हो जाते हैं, दुख नहीं झेल पाते हैं, तो जोश में आप अपने मुट्ठी को बांधिए और जीवन को संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन आप दुख से जरूर निकलेंगे। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष है। पृथ्वी के जो पृथ्वी है वो गोल है और उसके जो धरातल मतलब कि उसके जो सतह पे जो भी जनता है वो सब आपस में एक ही है, और जितना भी जनता है सबको एक ना एक दिन दुख और कष्ट सहना ही है, ठीक है। जला हुआ लाल की भयानक सितारा एक, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। आगे का कह रहे हैं, उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। जलता हुआ लाल का इशारा एक कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो है कहे हैं कि जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, मतलब यहाँ पे सितारा जो है जनता के लिए उपयोग किया गया है, और इसमें कहा गया है कि हर एक जनता जो है कोई ना कोई दुख से जो है जल रहा है, दुख समस्याओं से जो है घिरा हुआ है, घिरा हुआ है,
उदीप्त उसका विकराल सा इशारा एक, और उसका एक गो लक्ष्य है कि इस दुख और समस्या से हमको कैसे बाहर निकलना है। ठीक है, गंगा में इरावती में मीनाब में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। कह रहे हैं लेखक कि गंगा में, गंगा नदी में, इरावती में और मीनाब में, ये तीनों नदी के नाम है, इनमें जो पानी बहती है वो अकुलाती हुई बहती है, मतलब कि संघर्ष करते हुए पानी जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, देखिएगा पानी जब बढ़ती है तो ऊपर नीचे होते रहती है, बहती है पानी तो ऊपर नीचे होते रहती है। तो गंगा, इरावती, मीनाब सभी नदियाँ की पानी जो है ये संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है। नील नदी भी हो, अमेजन हो, मिसौरी हो, ये सब वेदना से गाती हुई और सब अपने दुखों, जब दुख समस्याओं से जो है क्या होती है, उनकी पानी जो है ऊपर नीचे होकर जाती है और टकराती है तो उनके अंदर से एक चीख की आवाज़ आती है, उसे वेदना हम लोग कहते हैं। बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, उसी प्रकार जो है जिंदगी है। ठीक है, जिंदगी का है तो जिंदगी है दुख और समस्याओं से भरी हुई, इस पे जो है दुख और समस्याओं को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है, और जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो वही जो है आदमी सफल हो जाता है। तो इस पूरे वाक्य का कहने का मतलब है कि गंगा नदी, मीनाब नदी में जैसे पानी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है, वैसे ही आपके जीवन में कोई भी दुख समस्याएं हो, रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। और जैसे नदी अमेजन में जो मिसौरी में वेदना सिखाती हुई, इनकी पानी जब आपस में टकराती है तो उन्हें दुख होता है। रियल में हमनियों के जब दुख समस्याएं आती है तो बहुत सारी आती हैं, दुख होता है, लेकिन जब इसी दुख से हम जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी जिंदगी जो है सफल हो जाती है। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, कहने का मतलब था कि प्यार और क्रोध है ये जो है कब आता है, जैसे हमनी के जो है जब कौनो हमनी से बहुत अच्छा लगाव रखता है तो उस पर प्यार आता है, लेकिन जब क्रोध भी आता है तो वैसा ही आता है। जैसे मान के चलिए हम कौनो से प्यार कर रहे हैं तो एकदम उस पर जो है हम फिदा हैं, लेकिन जिस दिन ओकरा पे गुस्सा हमारा बढ़ा तो फिर जितना अंदर के गुस्सा है वो सब निकल जाएगा। तो वह कह रहा है कि प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, मतलब प्यार जितना आदमी करता है उतना ही जो है लोग गुस्सा भी करते हैं। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, और पृथ्वी जो फैला हुआ है वो जो है अपनी सेनाओं को गिरफ्तार किए हुए है, सेनाओं मतलब कि जनता को जो है दुख और समस्याओं से जो है घेरे हुए है। जो पृथ्वी का प्रसार हुआ है उसमें जो है पृथ्वी अपनी सेनाओं से जो है जनता को घेरे हुए है। गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। जो पृथ्वी फैली हुई है वो अपनी सेनाओं से सभी जनता को जो है घेरी हुई है, और पृथ्वी का सेना क्या है तो पृथ्वी का सेना है दुख और समस्या। दुख और समस्या जो है पृथ्वी, जितना भी पृथ्वी पर लोग हैं वो सबको घेरी हुई है। ठीक है, और सबका जो है खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, और जो भी आप देख रहे हैं सब लोगों का दुश्मन एक के है। ये पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबका दुश्मन एक के है। का है दुश्मन? दुख और समस्या। दुख और समस्या सबके दुश्मन है कि नहीं? जन शोषक एक। जन शोषक मतलब कि जनता पर शोषण करने वाले एक ही है शत्रु, कौन है? दुख और समस्या है कि नहीं? आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। जब शत्रु एक है, जब शोषण करने वाले एक हैं, तो जब हमनी के कोई आशा की किरण नजर आती है, जब आशा की किरण कब आएगी? जब आप जो है संघर्ष करते रहेंगे। चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जनजन का मित्र एक। कह रहा है इस पूरे वाक्य का मतलब कि जब आप दुख और समस्याओं से घिरे हुए हैं तो आशा रूपी अपने मन में जो है संघर्ष पैदा कीजिए। संघर्ष जब कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आप अंधकार से निकल के जो है स्वर्ग में जा रहे हैं, और आपको सब इस पृथ्वी पर सब आदमी जो है अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक।
विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला, एक मतलब जो इस दुनिया में प्रकाश है सूर्य भगवान, वो जो है एकदम विराट है, विराट कहने का मतलब भयानक है, क्रांति की ज्वाला एक। और उसी प्रकार जो है अपने अंदर एक क्रांति की ज्वाला लाइए जो आपके सभी दुखों को जो है दूर कर दे। जैसे सूर्य भगवान जब आते हैं तो पूरा अंधकार को चीर करके उजाला कर देते हैं, उसी प्रकार अपने अंदर एक क्रांति की ज्वाला लाइए, मतलब कि आप दुख और समस्या को झेलने की जो है पावर लाइए। विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक, धरते वक्षों में है सत्य का उजाला एक। जब आप क्रांति की ज्वाला लाएंगे और आप सत्य मार्ग पे चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे अपने लक्ष्यों में, यही कह रहा है। लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। कह रही है लेखक जो है, कह रहा है कि लाख लाख पैरों की मूंछ एक, यानी सभी लोगों का दुख एक है, वेदना का तार एक, दुख समस्या सबके एक है। हिये में हिम्मत का सितारा एक, और आप में हिम्मत भी जो है एक ही है, आपकी दुख समस्याएं भी एक है और आपके अंदर हिम्मत भी जो है एक ही है। चाहे आप जिस भी देश के हों, किसी भी शहर के हों, आप सभी का दुख और समस्या एक ही है, यानी कि जन जन का चेहरा एक। देखिए आगे क्या कह रहा है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान है। एशिया में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, भले आपका रहने का स्थान जो है अलग अलग है, मतलब हम लोग के अलग अलग रहते हैं, कोनो एशिया में, कोनो यूरोप में, कोनो अमेरिका में, ये रहने का स्थान जो है अलग अलग है। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद भले आप भौगोलिक दृष्टि से आप अलग हैं, एशिया में हैं तो अलग हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से आप अलग हैं, है कि नहीं, बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। कह रही है कि एशिया हो, यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, भले आप अलग अलग स्थान पे जाके रह रहे हैं, भौगोलिक दृष्टि से आप और हम में अलग हो, ऐतिहासिक दृष्टि से एशिया अलग हो, यूरोप अलग हो, लेकिन सभी जगह जो है हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी जगह हिंदुस्तान के लोग पाए जाएंगे और सभी जगह जो है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का नारा लगते रहता है। सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, और कौनो आप देश में चल जाइए हमनी के हिंदुस्तानी मिलेंगे, सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर जो है हिंदुस्तानी भाई बहन आपको मिलेंगे। सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है, चाहे आप एशिया हो, यूरोप हो, चाहे कहीं हो, कन्हैया जी जो थे कृष्ण भगवान सगरों घूम लिए हैं, सगरों ओर जो है गाय अपन चराए हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। जिंदगी जो है आपके साथ खेलती है, और वो सबके साथ खेलती है, काहे कि सबके जीवन में दुख समस्या आते रहता है। बंसी की धुन एक, और जब आपके अंदर खुशी आता है, जब आप उस दुख समस्या से उबर जाते हैं, तो आपके अंदर जब खुशी आती है वो भी जो है सभी लोगों में एक ही होती है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक। दानव दुरात्मा सभी लोग जो है एके हैं। दानव दुरात्मा कहने का मतलब कि वैसे लोग जो हैं जो अत्याचार, गरीब निर्धन लोगों पे जो है अत्याचार करते हैं, मानव की आत्मा एक। ऐ दानव दुरात्मा जो है अत्याचार करते हैं और मानव जो है, सभी मानव का आत्मा एक है, भले कोई दानव है, दुरात्मा है, लेकिन मानव है तो उसके अंदर तो दिल है, सभी की आत्मा एक है। शोषक और खूनी और चोर एक, सभी शोषक, शोषक मतलब शोषण करने वाले, खूनी मतलब कि जान मारने वाले, और चोर मतलब कि चोरी करने वाले। चाहे आप एक जनता पे शोषण करने वाले हों, चाहे आप एक चोर हों, चाहे खूनी हों, आपके आपके ऊपर भी दुख समस्या आता है और आपको भी इसे झेलना है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ हो बढ़िया करके जाइए, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जन जन के शीर्ष पे शोषण का खरग अति घोर एक। जहाँ जहाँ आप जाइए इस पृथ्वी के कोनों कोना पे, तो जन जन के शीर्ष पे जो है शोषण एकदम हो रहा है और अति हो रहा है, मतलब कि लोग जो हैं हर एक एक दूसरे को जो है दुख समस्या जो है देने का प्रयास कर रहे हैं।
दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जनजन का युद्ध एक मस्तक की महिमा और अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला की अति क्रुद्ध एक। मतलब कि दुनिया के चारों ओर चारों हिस्सों में चाहे आप कोनो कोना में जाइए दुनिया के हर एक लोग में जो है युद्ध चल रहा है दुख और संघर्ष को लेकर और मस्तक की महिमा एक। आज सबके दिमाग में एक बात चलता है कि इस दुख समस्या से कैसे बाहर निकल जाए। भले अंतर की उष्मा होती है मतलब कि अंदर के जो है कोनो के एनर्जी कम होता है कोनो के ज़्यादा होता है दुख समस्या से निकले के ज्वाला की अति क्रोध है एक, लेकिन सबके अंदर जो है दुख और समस्याएं देखने को मिलती है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। संग्राम का घोष का है कि मतलब कि आप जब अपने दुख समस्या से हैं तो आप ही को निकलना है, कोनो दूसर थोड़ी आगे निकालेगा आपको। तो संग्राम अपने आप से निकलने के लिए करिए। जीवन में संतोष रखिए कि नहीं एक ना एक दिन आप दुख समस्याओं से निकलेंगे, ठीक है, संतोष बहुत जरूरी है। क्रांति का निर्माण का विजय का सहरा एक। आप क्रांति कीजिए चाहे कुछ हो, निर्माण कीजिए चाहे जो है आप कुछ हो जीतिए, सबका सेहरा एक ही होता है। मतलब कि जीत का जश्न जो है एक ही प्रकार से मनाया जाता है खुशी होकर। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। चाहे आप किसी भी देश का हो किसी भी शहर के हो आप जब खुशी मनाएंगे तो सबका चेहरा पर जो है एक ही तरह का रंग दिखाई देगा, है कि नहीं। अब जो है आप बताइए इस चैप्टर को आप समझें कि नहीं समझे। हमारा लगता है कि एकरा से आसान कोनो आपको इस चैप्टर को नहीं समझा सकता है, ठीक है। अब कहाँ हम समझाएं, तो यह वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और बाकी वीडियो देखे हैं तो रियल में जो है इस वीडियो को वहां तक फैलाइए जहां तक नहीं जाना चाहता था, ठीक है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।